हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। मेरा फ्लैशबैक शूट हो रहा है, मुझे कोर्ट में सजा मिलती है और 14 साल बाद जेल से निकलता है। मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ जो शुरू में अपनी बीवी को जला के मार देता है, उसी सिलसिले में मुझे कोर्ट में पेशी है, मुझे सजा मिली। संजय जी, आप मजे हुए एक विलेन माना जाते हैं भोजपुरी के, तो किस तरह से चली जा रही जो लड़की है, जो हीरोइन है, उसका डैडी का आप रोल कर रहे हो, तो कितने दिन का ये शूटिंग चला और आप डायरेक्टर का, डायरेक्टर और आपका साथ किस तरह का मतलब केमिस्ट्री रहा? हमारी और हमने इसके पहले फिल्म की थी साथ में, और हीरोइन के फादर या भाई का रोल तो मैंने बहुत फिल्मों में किया, क्योंकि विलेन भी एक पारिवारिक आदमी होता है, वो भी किसी का बहन, उनका भाई, किसी का पति, किसी का बेटा होता है, तो उसके काम ऐसे होते हैं जिसकी सजा मिलती है, और आज मुझे वही सजा मिल रही है। तो और क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में दर्शकों को? तो बहुत अच्छी टीनेज लव स्टोरी है ये फिल्म, और भोजपुरी में पहली बार इस एज ग्रुप के हीरो जो इसमें लॉन्च हो रहे हैं, बड़ी फ्रेशनेस है फिल्म के अंदर, एक अनुभवी हाथों से फिल्म निकाल के आ रही है, ब्रजभूषण जी काफ़ी तजुर्बे वाले निर्देशक हैं, तो एक अच्छी फिल्म बनेगी। सर, आपका आने वाले और क्या क्या कौन सा फिल्म है? बहुत सारी फिल्में हैं, गबरू आने वाली है मेरी, और अभी मेरी जीना तेरी गली में 2, उसमें मैं गेस्ट अपीयरेंस है, प्लस इसके अलावा मेरी आने वाली है शक्ति, और अभी जस्ट एक रिलीज हुई दुश्मन सरक पार के, इसके अलावा मैं दिलेश जी के साथ आएंगे, फिर हुआ द लीडर, फिर आएंगे मुकद्दर का सिकंदर, बहुत सारी फिल्में आएंगे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.